में। लेकिन अब वैसे अली को तो काफी लगे हैं ब्रेक से पहले, हम उस तरफ बढ़ रहे थे लेकिन हमें ब्रेक ले ली, और अली उन झटकों के बारे में आहिस्ता आहिस्ता रिवील करता जाएगा। अच्छा अली, यू विल आंसर फॉर हेरा, ठीक है, हेरा यू विल आंसर एज अली, राइट? ओके और अगर ऑब्वियसली किसी ने झूठ बोला तो ऑब्वियस है, ये पता ही हो गया, झटका लगाना है और लगाना है भाई, ज्यादा यहाँ पे मोहब्बत ना जाके कि नहीं ना लगे मेरे हाँ मेरी बीवी को झटका ना लगे। सही है, रेडी अली? डन है भाई, ओके, रेडी। अली तो ऐसे तैयार बैठा हुआ है, झटके ही लगने हैं भाई। ओके जी, पहला सवाल, हेरा एज अली, सो अली यू हैव टू टेल कि ये सच बोल रही है या गलत बात कर रही है। मुझे अपने अलावा किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद नहीं। मुझे अपने अलावा अली ये समझता है कि उसको उसके अलावा, राइट? नहीं, अली को दूसरों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी पसंद है, बस मेरा नहीं पसंद। दिल से लिख लिए, दिल से लिख लिए। डू यू एवर से दैट कि यार तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है यार? नहीं, कभी कभार जब मैं बहुत फनी जोक जिसपे 100 लोग सब हंस रहे होते हैं तो उसमें हीरा को आगे बताता हूँ, हीरा आगे से नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं देती। और फिर क्या वजह है हीरा? आई जस्ट डोंट फाइंड इट फनी। थैंक यू, आई रिमेंबर दिस। और या तो मैं कोई और चीज के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है ना कि एक पूरा ऑडियंस है जो वैसे ही जोक पे हंसेगा, तो मैं कोई और चीज सोच लूँ, मैं पता नहीं ट्यून आउट हो जाती हूँ। I get tuned out. Zoned out. कितनी grounded यार आजकल मेरा शोहर grounded है, ज़्यादा over ना हो जाए। आजकल मेरा एक बड़ा बेहतरीन dialogue hit हुआ हुआ है, वो ये है कि घर दा पीर चुल दा वटा। और ये वाली exactly अली सराइकी है, ये सराइकी बोल रहे हैं। ये सराइकी में, हाँ सराइकी में बोलते हैं। ये इसका मतलब वही है। घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो बात है। अली as हेरा। जब मैं तैयार हूँ और कोई मेरी तारीफ ना करे तो आई मेक श्योर के अगला भी अगले की भी कोई तारीफ ना करे। सच अ लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि लड़कियों की जब बात होती है तो सिर्फ अपीयरेंस और सिर्फ तैयार होना क्यों आता है। सेकेंडली आई एम नॉट लाइक दैट, मैं हमेशा दूसरों की तारीफ पहले करती हूँ। या आई एम नॉट लाइक दैट, बोल दिया अली ने सच बोल। जी नहीं, I don't fish for compliments. नहीं अली, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जी जिनका उनको खुद नहीं पता था कि वो, ये नहीं पता था कि मैं क्या मेरा रिएक्शन है। लोगों को पता होता, खुद को नहीं पता होता। तारीफ चाहिए भी होती लड़कियों को यार, क्यों नहीं चाहिए यार, सबको चाहिए होती, और मिसाल है तारीफ, सबको चाहिए होती तारीफ, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ओके हेरा एज अली नाउ अगेन। ओके, मैं हेरा से ज्यादा देर लगाता हूँ तैयार होने में। नहीं जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। She's saying the right thing. सही है, बिल्कुल। अली ने एक टी-शर्ट पहन ली थी, ऊपर एक जैकेट पहन ली, बस मेरी तैयारी से लग रहा है कि मैंने टाइम लगाया होगा। बालों पे वैक्स शैक्स बस हल्की-फुल्की लगाई और यस लेट्स गो। Which is not true by the way. What do you mean? See the thing is कि लड़के they can get away with looking effortless, although बहुत एफर्ट डलता है उनकी भी एफर्टलेस लुक्स में। ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, बात सही भी कर रही है। अगर एक्टर्स, आई मीन जनरल लड़कों की बात नहीं करो, एक्टर्स में मैंने देखा कि एक सर्टन टाइप के बाल चाहिए होते हैं। अब मेरे बाल अगर 2 इंच ऊपर ना जा रहे हो तो मुझे मुसीबत होती है, भाई बाल ऊपर करो, क्यों क्यों आ रहे हैं, बिल्कुल सही। मेरा जैकेट अगर सही ना फॉल कर, मैं कहता भाई दूसरी लेके आओ। सो ये एक्टर्स में थोड़ा शोबिज के लोगों में है, हल्का। हां है, लोगों में है, बिल्कुल है, एब्सोल्युटली। मैं तुझे शॉपिंग में बहुत देखा भाई, भाई मैंने इसको शॉपिंग करते देखा है ना, चूज करता मैंने 2-3 चीजें उठा ली, मैंने कहा चलो यार लेके चलो, और भाई अभी चूज करें जैकेट, नहीं यार यार एक मिनट, ये ह्यूस्टन की बात कर रहा है, ये ह्यूस्टन की बात, रेड कार्पेट पे ये वाली अच्छी लगी यार, ये वाली नहीं यार। वो हुआ भी क्या था मेरे साथ, अच्छा सुनो ना, हुआ भी क्या था, इधर से मैं लेके गया अपनी टक्सीडो, ठीक है, गलती मुझसे क्या हुई कि मैंने वो चेक ही नहीं किया। जब मैं उधर जाके तैयार हुआ एन मोमेंट पे, शाम को अवार्ड्स थे और सुबह सुबह मैंने अपना वार्डरोब निकाला और मैंने पहना, तो यकीन करो यासिर हुसैन की ट्राउजर मेरे पास आ गई, इतनी छोटी। मैं सोचूं कि यार ये कौन सा स्टाइल है, नया स्टेटमेंट बन देता यार, इतनी सी पैंट्स पहन के तू रेड कार्पेट पे ब्रो, क्रॉप्ड। या ओके, नेक्स्ट अली एज एज हेरा। मेड अगर छुट्टी कर ले तो मेरा बिहेवियर अली के साथ ये हो जाता है। अली के साथ बिहेवियर तो नहीं, अली ही मेड बन जाता बस। उसने छुट्टी क्यों की अली, अब तो ये सच्ची बात है नहीं
Stop until I get my point across. तो जब से ये मिस्कीन कैरेक्टर किया है ना तो वो अपने उठाए में कितना बेचारा हूँ मेथड एक्टर और मेरे साथ तो ये होता है मेथड एक्टर टाइम लगेगा उसमें से निकलते हुए ड्रामा खत्म हो गया अभी तक एक्टिंग चल रही है मेथड एक्टर भाई सही है यार नो बट अली डज हेल्प डूबते हुए फिर निकलते टाइम लगता है नहीं आई विल से दैट हम दोनों थोड़े मेथड एक्टिंग के बर्तन भी मैं ही धो रहा हूं चीज कर रहा हूं कपड़े भी डोंट यू वांट टू स्टे इन दिस कैरेक्टर आई डू फॉरएवर एंड एवर फॉरएवर एंड एवर बी माय मिस्कीन फॉरएवर मिस्कीन बे माय मिस्कीन बे ठीक है जी हेरा एज अली मैं लोगों को चीजें पैसे कुछ भी उधार देने में मास्टर हूं वो तो हूँ बिल्कुल 100% हूँ हूँ डेफिनेटली और वापस मांगने मैं कभी वापस मांग नहीं सकता उनसे लेकिन बड़ा जेनरस आदमी है यार अरे क्या चक्कर है ये दोस्ती यारी में ये ले जाओ वो ले जाओ ये कर लो हाँ पता नहीं ऐसा ही हूँ मैं अनलेस वो मेरी वाइफ हो तो हैं क्या अनलेस वो मेरी वाइफ हो हाँ उनसे मांग सकता हूँ वाइफ के साथ चीजें पैसे कुछ भी उधार देने में मास्टर हूँ वो तो हूँ बिल्कुल 100% हूँ हूँ डेफिनेटली और वापस मांगने मैं कभी वापस मांग नहीं सकता उनसे लेकिन बड़ा जेनरस आदमी है यार अरे क्या चक्कर है ये दोस्ती यारी में ये ले जाओ वो ले जाओ ये कर लो हाँ पता नहीं ऐसा ही हूँ मैं अनलेस वो मेरी वाइफ हो तो हैं क्या अनलेस वो मेरी वाइफ हो हाँ उनसे मांग सकता हूँ वाइफ के साथ फिर ये है ना वाइफ के साथ तो इतनी दोस्ती तो रखनी चाहिए वो फ्रेंड्स वाली जोन है हाँ ऑफ कोर्स या वाइफ के साथ इतना मैंने हमेशा से सोचा हुआ था कि वाइफ के साथ अगर किसी ने पैसे देने हो इसके तो ये मांगते हुए थोड़ा कतराता है Does he hesitate? No, not if he's worked for it. If it's work related, no, not at all. Work related ho to main nahi hota, but otherwise, agar kisi ko, agar maine I've lended someone money, then I won't go back and be like, yaar, ke yaar, tune udhar liya tha, yaad hai tujhe? Okay, theek hai, sahi hai. Khud hi de dena chahiye, yaar, koi le le udhar kisi, to khud hi wapas kar do, bhai. Haan, yaar, khuda ka waasta hai, bhai, shayad tujhe sharam aa jaye, mera dost hai. देख ले यार कि तो टीवी पे आके मांगने पड़ रहे हैं पैसे अब उसको फोन में बोलना यार आज हमारा शो चल रहा है वो जरूर देखना जरा देखना फिर वो जब देखेगा तो ये अचानक से बीच में आ जाएगी दैट्स अ गुड वे दैट्स अ गुड वे और भी किसी कुछ कह रहे हैं तो बोल दे खुद समझ जाएंगे अच्छा अली मुझे अक्सर रोना आता है जब वो कल यार एक सीन हो गया ना कल हम गए सदके के लिए ठीक है सदका देना था तो वो अब बकरा वो सामने लेके आए तो वो हीरा ने हाथ फेरना था तो मैंने हीरा वैसे ही जरा एनिमल्स के साथ जरा डेलिकेट होती है तो सामने ही ज़िबा होना था तो मैं अब चाह रहा था कि हीरा तुम एक बार ये प्रोसेस देख बस लो हो गया आ जाओ हाँ नहीं अच्छा देख मैं, लो मैंने कहा आ जाओ यार यू नो ठीक है तो वो अब इसने बस हाथ उसके ऊपर रखा है और इसे रोना आ गया डोंट टॉक अबाउट इट मुझे फिर रोना आ रहा है यार मुझे बुरा भी लगा बाद में बट मुझे वो एक चीज ऐसी लगी कि यार ये तो बड़ा मसला है यार बड़ा सेंसिटिव है ये इंसान बकरे की क्या गलती है यार जानवरों के लिए बहुत ज्यादा बकरे की गलती है हाँ बिल्कुल ना और ये भी एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है कि हम लोग खा लेते हैं लेकिन देख नहीं पाते ना कुछ लोग वो बट आई गेस दैट इज अ ट्रू टेस्ट And that is a true sadka, I guess, but it's like still and in my mind. And generally as well, you know, if she'd see dogs on the street रात को, you know, 10-15 अगर साथ फिर रहे हैं, जिनको dog culling वाला जो वाकया है, कि उनको जहर दे के मार दिया जाता है, वो भी बड़ा तकलीफदेह चीज है। तो वो चीज पे तो फौरन इसे रोना आ जाता है इस तरह के जितने ठीक है ऐसी चीजों में रोना आता है अभी भी हस्बैंड की बातों पे हस्बैंड के दुख नहीं समझती वो अलग बात है बाकी कोई नहीं समझता कोई नहीं समझेगा बस यही कोई दुख है ही नहीं अपने दुख खुद समझो बस व्हाट दुख मैन यू आर लकी गाय व्हाटएवर क्या दुख होंगे भाई दुख तो सिर्फ हमें होते हैं यार तुम लोग हैं भी बीच में ठीक है जी हेरा मुझे बेवकूफ बनाना सबसे आसान काम है Wait, I'm supposed to answer, na? Nah, You're supposed to answer. यानी अली कोई भी कुछ भी कह के धोखा दे देगा, बेवकूफ बना देगा, easily ये manipulate हो सकता है. अच्छा, ये हो सकता है दूसरों से. हाँ, ये ना हाँ.
नहीं, नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा, अली को धोखा देना आसान नहीं है। अच्छा, नहीं धोखा देना आसान नहीं हुआ। ऑलरेडी वो पुलिस वाली आंखें जो है ना, वो हमेशा हर तरफ देख रही होती है। अच्छा है अली? लगता नहीं है यार। नोट बनाए, नोट करें इसे, ये देखिए आने वाले कैरेक्टर्स में ये आंखें इस्तेमाल हो सकती हैं। यस यस, ठीक है अली, मुझे इन यानी समबडी की एक्टिंग समझ में नहीं आती। फॉर हर, यू आर आंसरिंग फॉर हर। हाँ, अच्छा, बहुत बड़ी लिस्ट है जिसके बारे में हम अक्सर ऑब्वियसली बैठे हुए डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन रिसेंटली रिसेंटली किसका नाम लिया था यार? यार रिसेंटली जो है ना, हम ये चीज डिस्कस जरूर कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा, कि कुछ ओवररेटेड एक्टर्स हैं यार, ठीक है, जो इतने हिट्स टर्न आउट नहीं करते या इतना उनका काम नहीं आता, लेकिन फिर भी यू नो दे आर जस्ट ऑलवेज देयर इन द न्यूज, एंड वी वुड लाइक यार व्हाट इफ अगर हमारे नए एक्टर्स को जल्दी जल्दी काम दिया जाए, उनको ट्राई आउट किया जाए, रादर देन गिविंग द सेम सॉर्ट ऑफ वर्क टू सेम काइंड ऑफ पीपल। लाइक यू सेड, दे थ्रोइंग देयर ओन मनी ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल टू स्टे इन एंड ऑल दैट, सो वो भी तो एक, हां ठीक है, वो एक हद तक, मगर जहां एक कैरेक्टर की बात है, एक खास किस्म की। अली, यू हैव टू आंसर फॉर मी, या नॉट फॉर यू, नॉट फॉर योरसेल्फ, फॉर मी। तो सच बोलना फिर। अब मैं सच बोल दूं, फिर नाम लेना पड़ेगा। नाम ले लो, बिकॉज देन आई कैन बज यू। तो क्या है, बता यार जल्दी अपने दिल की बात, नहीं रहा कि दिल की बात बता। जिसकी एक्टिंग मुझे बिल्कुल भी, या कोई लड़की कोई लड़का हो, व्हाटएवर, हां, और अगर वो गलत होगा तो मैं बस जरूर करूंगी। हां, आई थिंक हिरा को किसकी एक्टिंग अभी रिसेंटली नहीं अच्छी लगी, वो थी मैं यार मायरा की बात तो नहीं की थी हमने। नो बस, आई लाइक मायरा अ लॉट, यू नो ऑलरेडी, वी लाइक मायरा, बट सॉरी एक्टिंग वाइज आई फील जरा काम जो है ना, जरा मायरा को गेम अप करना चाहिए। अपने दिल की बात कर रहा है, अपने दिल की बात, तो मैं तो कर सकता हूँ ना। नहीं नहीं, हिरा की तरफ से मैंने नाम ले लिया, बट मैं अपनी तरफ से तो एक बात कर सकता हूँ कि हमारी इस तरह एक बात हो रही थी, कहीं हम लोग बैठे हुए थे सारे दोस्त यार, तो and I was like yeah you're actually wrong. I think Myra is one of those blessed actors jo she just has to be her charming self, self. And, she's and amazing just, like that also, that's all people need. I love need. The way she is, she's like the Shah Rukh Khan of Pakistan. You know, he just has to come and be himself. Unfortunately Shah Rukh ke bare mein bhi log yahi kehte hain kya ki usko bhi hits zyada deni chahiye. No man, no, in the past Shah Rukh he has just has come to be Shah Rukh Khan hits. He doesn't need to be anything else, so just like that she has that charm, she has that persona. You're right, and sometimes people don't care about the acting as much as they care about the presence, I think. But I also Anna? feel personally mujhe lagta hai ki Mahira ki acting bhi extremely achhi thi, abhi maine uski film dekhi thi, I think so too, like she was so good in that. I was hoping you would take another name. जिसके साथ लाइक यू नो दैट आई डोंट लाइक फैंसी दैट पर्सन एट ऑल, इट्स अ मेल, हु इज इट, कान में बताओ उसके, कैन यू टेल मी व्हिच वन, हु यू द फर्स्ट नेम, यू ऑलमोस्ट वोर हिज पैंट्स हिज साइज, यासिर, या या ऑफ कोर्स यासिर एज़ वेल फॉर दैट मैटर. Oh, you think ke Yasir ki acting nahi pasand Hira ko? Just don't. Okay. Yeah. Just don't. Overall, I just don't. You're not feeling him. Just don't like him. You